अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हैदराबादी हरीस रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने काजू लिए हैं 250 ग्राम, खोपरा यहाँ पर हमने 150 ग्राम लिया है, चिरौंजी 150 ग्राम, बादाम 250 ग्राम, यहाँ पर हमने एक बड़े भगोने में हरीस का रवा लिया है। हमने इसे अच्छे से वॉश करके 1 आवर के लिए सोक करके रखा था। हरीस का रवा हमने 2 kg लिया है, माश की दाल 2 ग्लास, चावल 1 ग्लास और साबित मिर्ची, यहाँ पर हमने साबित काली मिर्ची 1 टेबल स्पून लिया है और हरे मिर्ची हमने यहाँ पर 15-20 लिए है। अब हम इसे कुक करेंगे। इसे हम हाई टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। इसे मिक्स करते हुए कुक करना है, नहीं तो ये नीचे बैठ जाएगा। देखिए ये अच्छे से गल चुका है। देखिए माश की दाल, चावल और हरीस का रवा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसे ठंडा होने रख देंगे और इसके बाद इसे ग्राइंड करके एक बड़े से भगोने में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम सारे मसाले अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमने 5 डल्ली प्याज ली है, इसे भी हमने डीप फ्राई कर लिया है। इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। जैसा हमने मसाले ग्राइंड कर लिए थे उसी तरह हम प्याज को भी ग्राइंड कर लेंगे उसमें ही डालकर। यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेटली 7 kg गोश्त लिया है। अब हम इसमें 1 kg दही ऐड करेंगे और 1 teaspoon हल्दी पाउडर और 6 tablespoons रेड चिली पाउडर, 5 tablespoons जिंजर गार्लिक पेस्ट और 4 tablespoons गरम मसाला, 3 tablespoons हम यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर रहे हैं और 250 ml यहाँ पर हमने ऑयल ऐड किया है। मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। और यहाँ पर हमने कबाब चीनी पाउडर 2 tablespoons यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते तो और मिर्ची ऐड कर लीजिए। ओके, अब हमने यहाँ पर 2 कुकर लिया है, दोनों में हम थोड़ा थोड़ा गोश्त ऐड करके और उसके हिसाब से पानी ऐड करके इसे कुक करने के लिए रख देंगे। इसे हाई फ्लेम पर हम 2 whistle होने तक रखेंगे और लो फ्लेम पर 15 मिनट्स तक इसे रख देंगे, जब तक हमारा गोश्त गल जाएगा। यहाँ पर हमने हरीस को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे फर्स्ट कुकर का पूरा जो एक्स्ट्रा जो पानी रहता है वो डाल देंगे। हम गोश्त को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद उसे मैश करके इसमें मिक्स कर देंगे हम। देखिए ये सारे मसाले हमने ग्राइंड कर दिए थे। अब ये मसाले हम हमारे सेकेंड कुकर में ऐड करेंगे। देखिए हमने ये मसालों को अब हमारे नेक्स्ट कुकर में ऐड किया है। अब हम इसमें थोड़ा पकाएंगे मसालों को, जिससे मसालों की स्मेल चले जाए, तब तक हमें पकाना है। अच्छे से 10-15 मिनट्स तक इसे पकाइए। देखिए अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पकाइए, नहीं तो मसाले नीचे बैठ जाएंगे। देखिए ये फर्स्ट कुकर का गोश्त है, ठंडा हो चुका है। अब हम इसे स्पून की हेल्प से इसको रेशा रेशा कर लेंगे। सेकेंड कुकर का भी गोश्त हमारा यहाँ पे अच्छे से गल चुका है, जिसमें हमने मसाला डाला था। इसे भी हम मैश कर लेंगे स्पून की हेल्प से, क्योंकि
क्योंकि गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है तो स्पून से ये अच्छे से मैश हो रहा है। देखिए कितना अच्छे से गल चुका है ये। अब हम ये सारी चीज़ें हरीस में ऐड करेंगे। देखिए ये ग्रेवी पूरी, जो मसाले वाली ग्रेवी थी वो है ये। ये ग्रेवी ऐड कर देंगे हम। अब गोश्त ऐड करेंगे और सारा गोश्त ऐड कर दीजिए आप, और कुकर को वॉश करके उसका पानी भी ऐड कर दीजिए आप। इसके बाद हम इसमें 1 लीटर पानी और ऐड करेंगे क्योंकि हरीस को हमें पकाना है। हरीस आप आधा घंटा तो भी पकाइए हरीस को, और मिक्स करते हुए पकाइए हरीस को। हमने हरीस को मिक्स करते हुए पकाया है। यहाँ पर हमने पोटली का मसाला लिया है, जिसे नाहरी का मसाला भी कहते हैं। इसे हमने एक भगोने में डाला है। अब उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके इसे कुक करेंगे, जिससे मसाले का पूरा फ्लेवर पानी में आएगा। अब वो पानी हम स्ट्रेन करके ये भगोने में ऐड करेंगे, मीन्स हरीस में। मिक्स करते हुए पकाइए। इसके बाद हम इसमें चॉप कोथमीर पुदीना, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसमें कम दिखी थी रेड चिली पाउडर, तो हम रेड चिली पाउडर भी ऐड कर रहे हैं इसमें। आप भी एक बार टेस्ट करके देख लीजिए, अगर कुछ कम है तो ऐड कर लीजिए। उसके बाद इस पर नींबू ऐड कर लीजिए, 7 to 8 नींबू लीजिए, उसे निचोड़ लीजिए, उसका रस डाल दीजिए, और इसके बाद आप गार्निश कीजिए फ्राइड ओनियन के साथ, काजू के साथ और चॉप कोथमीर। ओके, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।